यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, देश की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों की बात करते हैं जो सीधा आपसे सरोकार रखते हैं और आज हम बात करेंगे हवा में फैले जहरीले कण की, बढ़ते प्रदूषण स्तर की। धूल के गुब्बार से परेशान दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में हालात गंभीर बने हुए हैं। दिल्ली में कई जगह तो प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि प्रदूषण नापने की मशीन भी फेल हो गई है। दिल्ली में एयर इंडेक्स 431 दर्ज हुआ है। अगले तीन दिन बेहद खतरनाक माने जा रहे हैं। अगले तीन दिन तक पीएम 10 का स्तर खतरनाक लेवल पर बना रहेगा। एनसीआर में सबसे ज्यादा प्रदूषित ग्रेटर नोएडा है, यहां एयर इंडेक्स 500 रहा है, जबकि गुड़गांव में 485, नोएडा की अगर बात की जाए तो 390, गाजियाबाद में 384 और फरीदाबाद में 317 एयर इंडेक्स दर्ज हुआ है। 17 जून तक दिल्ली में सभी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी सड़कों की सफाई मैकेनिकल मशीनों से करेंगे। मुख्य सड़कों पर झाड़ू अब नहीं लगाई जाएगी जब तक कि प्रदूषण स्तर को कम नहीं किया जाता। हरियाणा में भी 24 घंटे के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोक दी गई है। चंडीगढ़ में पुअर विजिबिलिटी के चलते इंडिगो और जेट एयरवेज ने फ्लाइट कैंसिल कर दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि दिल्ली की हवा में धूल के कणों का लेवल इतना ज्यादा है कि अगर कोई सामान्य इंसान 5 घंटे भी हवा में सांस ले तो उसमें अस्थमा के लक्षण नजर आने लगेंगे। वहीं इस सबके लिए हम सब भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि इंसान इस वक्त केवल अपने बारे में सोच रहा है। पर्यावरण की किसी को कोई चिंता नहीं है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, पर्यावरण से लगातार खेल किया जा रहा है, विकास के नाम पर प्रकृति से लगातार छेड़छाड़ हो रही है। तो इन सबके बीच आज के बड़े सवाल आपको बता देते हैं कि आज के बड़े सवाल क्या है। आज के बड़े सवाल है, मौसम में इस तरह के बदलाव क्यों आ रहे हैं, बदलाव में हमारी जिम्मेदारी कितनी है। और इसी के साथ बड़ा सवाल यह भी, पर्यावरण से छेड़छाड़ से क्या बात बिगड़ रही है और क्या पेड़ों की घटती तादाद से ये धूल उठ रही है। तो आज के बड़े सवाल लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्या प्रकृति इंसान को पहले से ही सचेत कर रही है, वृक्षों के बिना कैसे संभव होगा जीवन, ये आज का बड़ा सवाल है। मौसम में क्यों बदलाव हो रहे हैं ये आपको आज सोचना होगा। बड़े सवाल लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और नंबर भी आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन नंबरों के जरिए आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम के पहले दर्शक रणबीर पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम जी। जो ये देश के अंदर आज हालात है, इसके जिम्मेवार खुद हम इंसान हैं। जी इंसान है, इंसानों ने ना कहीं पौधे छोड़े, ना कहीं नहरें छोड़ी, हर जगह कब्जे कर लिए। सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। पानी का समतल बिल्कुल जमीन से नीचे जा चुका है। जी हालात देश के खराब है, बीमारियां बढ़ती जा रही है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाए और पौधे लगा करके उनकी देखरेख की जाए जी, जो जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो बिल्कुल जो स्थिति है वो लगातार गंभीर बनती जा रही है और आने वाले 1-2-3 दिन और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी जारी कर दी है। 8 जून को ही हालांकि ये चेतावनी जारी कर दी गई थी दिल्ली एनसीआर में कि मौसम में धूल भरी आंधी चल सकती है और हवा में धूल के कण होने की एक वजह यह भी है, राजस्थान से आ रही हवा। तो यहां पर आपको बता दें कि राजस्थान में जो मौसम है वो बहुत ज्यादा सूखा हुआ पड़ा है और नमी है बहुत ज्यादा और यहां पर लगातार धूल भरी आंधी चल रही है, जिन्होंने दिल्ली एनसीआर का रुख कर लिया है और दिल्ली एनसीआर के साथ ही पूरे उत्तर भारत में हवा में धूल के कण देखे जा सकते हैं जो कि जहरीले कण के काम कर रहे हैं। और आज के बड़े सवाल भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्या प्रकृति पहले से ही इंसान को सचेत कर रही है। आप जरा एक बार सोचिएगा कि वृक्षों के बिना जिंदगी कैसे संभव है, मौसम में ऐसे बदलाव आखिरकार क्यों हो रहे हैं, क्या वाकई ही ये वजह है कि बार बार जो पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं इस वजह से भी प्रदूषण में, इस वजह से भी पर्यावरण में
असंतुलन दिखाई दे रहा है, तो आप अपनी राय दे सकते हैं, इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों के जरिए आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय रखिए, क्योंकि आपकी राय भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस हवा में आप सभी को सांस लेना है, हमें सांस लेना है, और ये हवा बहुत ज्यादा जहरीली होती जा रही है। तो यहां पर लगातार आपको बता रहे हैं कि 445 पीएम दर्ज किया गया था, जो कि सामान्य से कई गुना ज्यादा है, और इस स्थिति को सीवियर कैटेगरी कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आम इंसानों के लिए क्षतिग्रस्त होती है। तो आज के बड़े सवाल भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, वृक्षों के बिना ये जीवन कैसे संभव है, मौसम में ऐसे बदलाव क्यों हो रहे हैं, आप अपने सुझाव रख सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों के जरिए आप जुड़िए इस कार्यक्रम में, देश की आवाज बनिए, अपनी राय रखिए कि इस प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हमारी भागीदारी क्या हो सकती है, सरकार को आप राय दे सकते हैं कि सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है। हालांकि अगर बात करें पंचकूला की, तो पंचकूला में भी वाटर फायर करवाया गया है, और दिल्ली में भी ऐसे ही दिशा निर्देश दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शन की जितने भी काम है उनको बंद करवाने के लिए कहा गया है। उपराज्यपाल की बैठक हुई थी, इस बैठक में यही निर्णय लिया गया था कि सड़कों पर अब झाड़ू नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि इससे धूल और ज्यादा फैलती है, यानी कि अब मशीनों से सड़कों की सफाई की जाएगी। यहां पर एक बात और बता देते हैं कि हालात इतने ज्यादा गंभीर है कि प्रदूषण के स्तर को मापने वाली मशीनें तक यहां पर खराब हो गई है, यानी कि इंडेक्स क्वालिटी जो है वो लगातार फेल होती हुई नजर आ रही है, बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। यहां पर उड़ानें भी रद्द करनी पड़ रही हैं, क्योंकि कम विजिबिलिटी के कारण उड़ानों में काफी दिक्कतें पेश आती हैं। तो इसके ऊपर आप अपनी राय दे सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, प्रदूषण के स्तर को किस तरह से कम किया जाए, धूल के कणों को किस तरह से दूर किया जाए, आप अपनी राय दे सकते हैं। और आज के बड़े सवाल भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, बदलाव में हमारी जिम्मेदारी कितनी है, क्या प्रकृति पहले से ही हमें सचेत कर रही है, पर्यावरण से छेड़छाड़ से ही क्या ये बात बिगड़ रही है, क्या पेड़ों की घटती तादाद से ये धूल उठ रही है। तो प्रकृति इंसान को पहले से ही सचेत कर रही है, ये तो सच्चाई है। और अगर बात चंडीगढ़ की जाए, तो चंडीगढ़ में काफी सालों में ऐसा पहली बार देखा गया है कि हवा में धूल के कण देखे जा रहे हैं। और आपको बता दें, हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन सचेत कर रहे हैं आपको कि ये जो धूल के कण हैं, ये जहरीले कण हैं, इससे आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है, और ऐसे में आपको एहतियात बरतने होंगे। और यहां पर एहतियात के तौर पर अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, नहीं तो घर पर ही रहे। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर कपड़ा बांध कर निकले, क्योंकि ये जो हवा है वो बहुत ज्यादा जहरीली हो चुकी है। आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए आम जनता की क्या भागीदारी हो सकती है। आप अपनी राय ये भी दे सकते हैं कि सरकार क्या कर सकती है। हालांकि सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और मुरादाबाद से अगले दर्शक विजय इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। विजय जी, अपनी राय रखिए। ऐसा है मैडम, एक मेन मुद्दा है कि हम अपने बिल्डिंग तो बहुत बड़ी खड़ी कर देते हैं जी, उसमें सफाई भी हम पूरी अपने घर की सफाई तो पूरी कर लेते हैं जी, मगर हम पेड़ लगाना भूल जाते हैं। बहुत सबसे बड़ी चीज तो ये है जी। और हमारी पूरे इंडिया का यदि हिसाब देखा जाए तो 80% लोग घर के आसपास पेड़ पौधे नहीं लगाते, और यदि लगाते हैं तो वो घर के अंदर कैद करके रखते हैं। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि बाहर की साइड में यदि किसी के पास जगह नहीं भी है तो उसके अंदर एक क्यारी टाइप की पौधे की वेरिट कराया जाए, जिससे ये मौसम का जो अभाव होता है या हमारे पेड़ पौधों का होता है, जिससे हमारी प्रदूषण जो है वो उसके पास से जो निकलता है गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हम लोग छोड़ते हुए जाते हैं जी, और उससे सफाई भी पूरी तरह से नहीं होती है। यदि हम पेड़ों के ऊपर ज्यादा ध्यान दें तो फिर ये पूरी कॉलोनी के हिसाब से वैलिड करी जाए तो शहर का दशा जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, और ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है पेड़ पौधों को लगाना। और जो पेड़ पौधे लगे भी हैं उनके ऊपर भी पानी का जो छिड़काव लगातार समय समय पर किया जाए। और करनाल से अगले दर्शक राकेश इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राकेश जी, अपनी राय रखिए। हेलो जी, राकेश जी अपनी राय रखिए।
हाँ जी मैम, ये मैं देख रहा था आपका प्रोग्राम, आज आपने बहुत ही अच्छा ये टॉपिक लिया है, जैसा आजकल यहाँ माहौल बना हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा अभी कुछ लोग हम में ऐसे भी होंगे जो इसका ठीकरा भी सरकारों के सर पे फोड़ना चाहते होंगे, क्योंकि जो लाइट पानी है, ये हवा है, ये मतलब हवा और पानी तो नेचुरल सोर्स है ना मैडम, इस तरह किसी का वो नहीं है, जो सबके लिए बराबर है जी। तो इसके लिए सभी की मौलिक जिम्मेदारी बनती है हर एक नागरिक की, जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है बड़ों का आदर करें ना, तो हमें ये सिखाना चाहिए कुदरत का आदर करें, हमें कुदरत है जो पानी हवा इन सब चीजों की वैल्यू समझनी चाहिए। और मुझे तो राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है, शहर में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो गांव में अमरूदों का मौसम है। जी जी, तो मतलब हमारे शहरों की जो इतनी वो हो चुकी है, मतलब गांव का माहौल सोगुना अच्छा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, और वाकई शहरों की स्थिति जो है वो लगातार खराब हो रही है। बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो सांस लेना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि लोगों का जीना हराम हो गया है, और यहाँ पर लोग बाहर निकलने से कतरते हैं। तो यहाँ पर लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में लोग फिर से गाँव की ओर रुख करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए एनसीआर इलाकों की तो वहाँ पर पेड़ पौधों की जो संख्या है वो बहुत कम दिखाई देती है। तो आज के बड़े सवाल भी हम बता रहे हैं, वृक्षों के बिना जीवन कैसे संभव होगा, मौसम में क्यों ऐसे बदलाव हो रहे हैं, क्या प्रकृति हमें पहले से ही सचेत कर रही है, बदलाव में हमारी जिम्मेदारी कितनी है। तो ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, आपको बार बार बता रहे हैं, सीवियर कैटेगरी बन गई है, और सीवियर कैटेगरी तब होती है जब बहुत ही ज़्यादा हालात बिगड़ जाए, और इस वक्त हालात जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। और मंडी से अगले दर्शक अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी अपनी राय रखिए। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार मैडम जी। सबसे पहले ना हमारे सामने जो चुनौती है कि पर्यावरण को बचाना, जी जी, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, इसमें जो है हम लोग जो अपने आप जो भी जो लोग है, जैसे आजकल गर्मियों में आग लगा रहे हैं, जो लोग अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, मैडम जब हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे जी। तो हमारी यही राय है मैडम जी, ये तो सरकारों से उठ के हम लोगों को आगे आके ये हम लोगों को ठीक करना है जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर मंडी से अजय दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, इनका कहना ये है कि हमारी भागीदारी सबसे ज्यादा है इस वक्त, सरकार से ऊपर उठ करके आम जनता को आगे आना होगा, और प्रदूषण के स्तर को कम करना होगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे, और इसी के साथ पराली का सीजन भी आने वाला है, और किसान इस पराली भी जलाएंगे, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर भी लगातार और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और इसी को लेकर के हमें एहतियात बरतने होंगे। और पलवल से अगले दर्शक रोहताश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहताश जी अपनी राय रखिए। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, मैं ये जो प्रकृति के आजकल जो हम खेल रहे हैं, इसका जो शोषण कर रहे हैं, प्रकृति को खराब कर रहे हैं, इससे हमारा जो मौसम है इसमें बदलाव आ रहे हैं जी। इसके लिए हमारी सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं जी। ये चिमनी वगैरह जो ईंट वगैरह बनाते हैं, इतना सारा धुआं निकलता है, इसको ऐसे तरीके से बनाई जाए ताकि कम से कम धुआं निकले, और बिजली वगैरह से ईंटें पकाई जाए जी, और प्रदूषण कम हो। इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, उसमें भी जो पानी निकलता है बहुत ही जहरीली गैसों का, और एलिमेंट्स वगैरह जो नदियों में गिरते हैं, उसको उसके लिए भी प्योरिफिकेशन का कोई ऐसा मशीन लगाई जाए, फैक्ट्री वालों को कही जाए इस बात। तो ये सारी चीजें अगर की जाएंगी तो ये हमारा जो वातावरण है ये शुद्ध रहेगा, और ये मौसम में ऐसे बदलाव नहीं आएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और नरवाना से अगले दर्शक रणदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। इस पर्यावरण प्रदूषण के लिए हम सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं जी, और इसको किसी व्यक्तिगत को सौंपना या मतलब किसी को दोष देना गलत बात है जी। इसके लिए हम सब सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से हम खुशी मनाने के लिए छोटा छोटा मौका ढूंढते हैं जी, क्या ये सब हम सब की जिम्मेदारी नहीं है कि हम मौके ढूंढ कर पेड़ लगाएं जी। अगर जी। हमारा जन्मदिन हम पेड़ लगा सकते हैं, हम शादी की सालगिरह मना रहे हैं तो पेड़ लगा सकते हैं, घर में सदस्य 3 होते हैं लेकिन गाड़ियां 4 हैं
कुछ बातें हैं जो हम अपने आप से नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन दूसरों को दोष देने से मतलब है सभी को, कुछ चीजें हैं हम अपने आप से ठीक कर सकते हैं, सभी को वो चीजें सोचनी चाहिए। मैं बस इतनी ही राय रखना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ हापुड़ से अगले दर्शक राम कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कुमार जी अपनी राय रखिए। हाँ देखो, ये जो ये जो परिस्थिति की तंत्र बिगड़ रहा है ना हमारा, इसके मूल में जनसंख्या वृद्धि है जी। आज गांवों की हालात ये हो गई, जिस हर आंगन में एक पेड़ होता था वो आंगन बढ़ते गए और मतलब परिवार बढ़ते गए और पेड़ कटते गए जी जी। तो जनसंख्या का मूल कारण जो इस चीज का जनसंख्या वृद्धि है, इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए जी। क्योंकि जितनी हमारी आवश्यकता पड़ेंगी, पर्यावरण तो वही हमारा निश्चित है, तो हमारी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, पेड़ों को हम काटते जा रहे हैं दिन रात जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। जी जी, तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। और इसी बीच एक दर्शक का ये भी कहना है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इस वजह से भी प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। और रोहतक से अगले दर्शक ईश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईश्वर जी अपनी राय रखिए। ईश्वर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो लगता है संपर्क टूट गया है। आज के बड़े सवाल भी लगातार आपको बता रहे हैं, क्या पेड़ों की घटती तादाद से धूल उठ रही है? क्या प्रकृति इंसान को पहले से ही सचेत कर रही है? क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इस बीच ज़रूरत ये है कि हमें प्रदूषण के स्तर को मिलकर के कम करना होगा, सभी को आगे आना होगा। इसका सारा ठीकरा हम सरकार पर नहीं फोड़ सकते, लेकिन यहाँ पर सभी के सहयोग से प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जा सकती है। और गुरुग्राम से अगले दर्शक एमएस वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। ये जो पौधे लगाए हुए हैं, हमने हजारों लाखों पौधे लगाए हुए हैं जी, घर के बाहर भी सड़क पे भी लगाए हुए हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन के अनुसार इनमें पानी डालना अलाउड नहीं है, गर्मी की वजह से जी, पानी की शॉर्टेज की वजह से जी। हमें पानी डालना अलाउड होना चाहिए पौधों के अंदर जी, क्योंकि कमेटी वाले तो पानी डालने के लिए नहीं आते इधर जी। तो जो इंडिविजुअल इनमें पानी डालना चाहते हैं उनको पानी डालना अलाउड होना चाहिए जी। और हर आदमी को चाहिए जो पांच पौधे लगाए, अगर जमीन में पौधे नहीं लगाए जा सकते तो गमलों में लगाओ जी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर एक जरूरी राय यहाँ पर रखी गई है कि जितने भी इंडिविजुअल है, जितने भी व्यक्ति विशेष इन पेड़ पौधों में पानी डालना चाहें, उनको अनुमति मिलनी चाहिए सरकार की ओर से। रोहतक से अगले दर्शक राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। ये तो भी श्री रामचंद्र जी कहे गिरेसिया को बदला ऐसा कभी आएगा जी, आकाश वो ही टाइम आएगा। 21वीं सदी है, रोज 21 आदमी मर रहे हैं जी जी। इतने पेड़ पौधे का आतंक बताऊंगे आदमियों को, खाना पीना बदल गया, सब कुछ कलयुग का पहरा सकट हो रहा है। ये तो फिल्म की कहावत है, फिल्म में कह रहे गाना भाई रामचंद्र जी कह गए सिया को ऐसा कभी हुआएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, और ज्यादातर दर्शकों का यही कहना है कि इस बार हमें खुद आगे आना होगा, सरकार के ऊपर ये ठीकरा हमें नहीं फोड़ना चाहिए। हर एक व्यक्ति को पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो मौसम है वो खराब हो सकता है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, हवा में धूल के जो कण हैं वो जहरीले साबित हो रहे हैं, और ये धूल के कण इतने ज़्यादा जहरीले हैं कि अस्थमा की यहाँ पर बीमारी हो सकती है। तो आज लगातार इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। इस हवा में हम सभी को सांस लेनी है, और अगर ये हवा ही साफ नहीं होगी तो हम किस तरह से सांस लेंगे? और रोहतक से अगले दर्शक ईश्वर हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। ईश्वर जी हेलो जी। ईश्वर जी अपनी राय रखिए। हेलो जी ईश्वर जी अपनी राय रखिए। मैडम हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। हेलो ईश्वर जी, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। हरियाणा के अंदर पीछे जो रोड काफी निकले तो साइड में बहुत ज्यादा जमीन खाली पड़ी थी जी, और उस पर पेड़ नहीं लगाए, उस पर
पेड़ नहीं लगाया जी इस पर। रोहतक में इतनी सड़कें निकली हैं, बाईपास निकले हैं जी, और उसके उसके साइड में इतनी जमीन खाली है, उस पर कोई पेड़ नहीं लगाया इन्होंने जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो ऐसे में दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, पेड़ पौधे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी के साथ अगले दर्शक नागेंद्र सिंह नेगी हिमाचल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र जी अपनी राय रखिए। जी जी नमस्कार, नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ, सरका घाट मंडी हिमाचल से। मैडम धरती माता तो बिना किसी भेदभाव के हमें सब कुछ अपनी पूरी ममता लुटाती है, लेकिन जिस तरह से हम चीरहरण कर रहे हैं इसका वो खमियाजा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब कुछ ये सारा पूरा प्रदूषित हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, उसको रोकना होगा। खड्डों के खड्डे पूरी साफ कर दी लोगों ने घर बनाने के लिए, कंक्रीट के जंगल से जंगल के जंगल बन गए शहरों में, और जंगलों को आग से सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये जो पराली घासनियां जैसे हिमाचल में जलाते हैं और वही आग जो है वो जंगलों में पहुंच जा रही है कचरा जलाने की, जो इसके लिए कोई कायदा कानून सरकार को तो बनाना ही चाहिए, लेकिन जनता को भी अपनी खुद की आचार संहिता बनानी पड़ेगी और इसको अपनी दिनचर्या में सुमार करना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है। अदरवाइज तो ये स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि लुबिया बर्फ अगर पिघलना शुरू हो गई इस तरह से तो समुद्र तट पे जितने भी हमारे शहर है वो सारे के सारे डूब जाएंगे। और ये जो जनसंख्या की वृद्धि की बात कही जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार कटते पेड़ कटते पहाड़ इस वजह को अंजाम दे रहे हैं, लगातार हवा में धूल के कण जो हैं वो शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी एक वजह हमने पहले ही आपको बता दी कि राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ है, इस वक्त नमी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है, जिस वजह से धूल भरी आंधी चल रही है और इस हवा ने दिल्ली NCR का रुख कर लिया है और दिल्ली NCR में प्रदूषण इस वक्त खतरे के निशान से काफी ऊपर जा चुका है और एयर इंडेक्स क्वालिटी को मापने की मशीनें तक खराब हो गई हैं और धूल के कणों का लेवल इतना ज्यादा है कि अगर कोई सामान्य इंसान 5 घंटे भी हवा में सांस ले तो उसमें अस्थमा के लक्षण नजर आने लगेंगे। तो ये जो हवा है ये बहुत ज्यादा जहरीली है और इसे काबू में लाना हम सभी के कर्तव्य है। तो आज के बड़े सवाल भी आपको दिखा रहे हैं, क्या प्रकृति इंसान को पहले से ही सचेत कर रही है? वृक्षों के बिना जीवन कैसे संभव होगा? लगातार वृक्ष काटे जा रहे हैं, कोई वृक्ष लगाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। अगर वृक्ष लगा भी दिए जाते हैं, पौधे लगा भी दिए जाते हैं तो उसकी देखभाल नहीं की जाती और पर्यावरण से छेड़छाड़ से लगातार बात भी बिगड़ रही है, ये आज के बड़े सवाल हैं। क्या पेड़ों की घटती तादाद से ही ये धूल उठ रही है? जो पेड़ लगातार सड़कों पर लगे हुए हैं उनके ऊपर भी पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए ताकि लगातार ऑक्सीजन हमें मिलती जाए और यहाँ पर वाहनों की बढ़ती संख्या से भी प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली NCR में इस वक्त जो हवा है वो सांस लेने लायक नहीं रही है। तो एहतियात भी यहाँ पर लोगों को बरतनी होगी, अपने आप को बचाना होगा इस धूल भरी हवा से। घर से बाहर निकलते वक्त मुंह पर कपड़ा बांध कर निकलना होगा, ये हवा इतनी जहरीली है कि इससे आंखों में जलन, गले खराब हो रहे हैं लोगों के, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो इस हवा से बचना होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलिएगा। तो आज के बड़े सवाल भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि बदलाव में हमारी जिम्मेदारी कितनी है, क्या पर्यावरण से छेड़छाड़ की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, लगातार धूल के कण हवा में फैल रहे हैं और इसके लिए सरकार को क्या करना होगा? ये राय आप दे सकते हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। रोहतक से अगले दर्शक सुंदर लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हाँ जी, ये जो है ना जहाँ से ये रेत बालू रेत चल रही है वहां से पानी क्यों नहीं छिड़कवा करते? जी जहाँ से ये राजस्थान से बालू रेत चल रही है, आप दिल्ली दिल्ली के ऊपर कर रहे हो, दिल्ली वाले ने भी खर्चा करना है, राजस्थान ने भी खर्चा करना है जी, आप क्यों नहीं सीधा उनको कहते कि पानी क्यों करो? जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपकी आवाज हम सरकार तक पहुंचाते हैं और राजस्थान में भी कहीं ना कहीं जरूरत है कि पानी का छिड़काव किया जाए ताकि स्थिति जो है वो सामान्य की जा सके। और कैथल से अगले दर्शक उदय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उदय सिंह जी अपनी राय रखिए। हमारी राय यही है बहन जी, आपने बोला था अभी थोड़ी देर पहले जी भाई कोई दरखत लगाने के लिए तैयार नहीं है जी, तो आप ये बात तो बिल्कुल गलत कह रहे हो भाई। 1700 की सात संघ ने एक दिन में 68 लाख पौधे लगाए थे जी, और वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड उसके पास है जी, एक बार नहीं 15 अगस्त को हर बार पेड़ लगाते हैं,
कई बार तो जमीन देने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं होती है और पेड़े भी आप मोल लेने पड़ते हैं और उनकी रक्षा के लिए तन मन धन से काम करते हैं और सरकार इन पर फिर भी देशद्रोही के जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो शायद ये अपने आसपास के एरिया की आप बात कर रहे होंगे, लेकिन अगर पूरे तरीके से देखा जाए तो जगह जगह पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं। कई जगह जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है पेड़ पौधे लगाने की, लेकिन वहां पर सरकार की ओर से और हमारी ओर से भी पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं। तो तमाम दर्शक जितने भी हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 बजे इसी मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे, बड़ी बहस देखिएगा आज।